स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर जो शैवाल लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा है उसमें आज हम ब्रायोफाइटा के वर्गों के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण हमने पीछे वीडियो में देख रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो बीएससी बॉटनी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। बीएससी बॉटनी लेवल के अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे आपको। तो बीएससी ब्रायोफाइटा में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ब्रायोफाइटा में बेसिक जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। इसके तीन समर्ग हैं, तो हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। तो तीन वर्गों में आज हम क्लास हिपेटिकोप्सिडा के देखेंगे लक्षण क्या क्या है और इसके जो जीनस है वो आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में विस्तार से पूछे जाते हैं। पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए इसका, हिपेटिकोप्सिडा क्या क्या इसके लक्षण हैं। तो देखते हैं, पौधे इसके थैलेसा थाइलॉइड या पर्निल होते हैं, पहला लक्षण तो ये हो गए। इसके बाद में जो पौधे पर्निल होते हैं उनमें तने तथा पर्णों में विभेदन होता है। जो पौधे भी पर्निल होंगे, लीफी होंगे, उनमें तने और पर्णों में विभेदन होगा। पर्ण मध्य सिरा विहीन तथा अक्ष पर दो या तीन पंक्तियों में लगी होती है। फिर मूलसा ब्राइजोइड एक कोशिक एवं अशाखित होते हैं। थैलेसा थाइलॉइड जातियों में प्राय अभ्यक्ष सतह पर सल्क उपस्थित होते हैं। अभ्यक्ष सतह ऊपरी सतह वेंट्रल सतह पर सल्क उपस्थित होते हैं। लैंगिक अंगों का परिवर्तन थैलस की पृष्ठ सतह पर उपस्थित सतही कोशिकाओं से होता है। पृष्ठ सतह पर जो सतह की कोशिकाएं होती हैं वहां से लैंगिक अंगों का परिवर्तन होगा। अपवाद स्वरूप कुछ जातियों में लैंगिक अंगों का परिवर्तन अग्रस्त रूप से भी हो सकता है, ये अपवाद है। फिर है बीजाणुद्भिद सरल प्रकार का केवल कैप्सूल या पाद संपुटिका तथा कैप्सूल या संपुटिका में विभेदित रहता है। तो इसका जो बीजाणुद्भिद है वो सरल प्रकार का केवल कैप्सूल का भी हो सकता है, पाद संपुटिका वृंत या कैप्सूल या संपुटिका में भी विभेदित हो सकता है, ये अलग अलग प्रकार से हो सकता है। बीजाणुओं के निर्माण हेतु प्रसूतक यानी आर्किस्पोरियम अंतस्थीशियम एंडोथीशियम से उत्पन्न होता है। फिर कैप्सूल या संपुटिका की भित्ति एक या बहुस्तरीय मोटी होती है तथा इस पर रंध्र अनुपस्थित होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। बीजाणुजन स्पोरोजिनस उत्तक बीजाणु मात्र कोशिकाओं तथा इलेटर्स का निर्माण करता है। तो इलेटर्स पाए जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है इलेटर्स किन में पाए जाते हैं, ब्रायोफाइटा में इलेटर्स पाए जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है इलेटर्स। संपुटिका कैप्सूल के स्फुटन की क्रियाविधि अनिश्चित और अनियमित होती है और इस वर्ग के पादपों को लीवर वर्ड्स कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है लीवर वर्ड्स किने कहते हैं, तो लीवर वर्ड्स हिपेटिकोप्सिडा। तो लीवर वर्ड हिपेटिकोप्सिडा को कहते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, तो हमें पता है लीवर में कौन से रोग में लीवर प्रभावित होता है, हिपेटाइटिस रोग में लीवर प्रभावित होता है। इससे आप याद रख सकते हैं कि वर्ग जो हिपेटिकोप्सिडा है उसको इनके पादपों को लीवर वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। फिर आगे इनके कुछ ऑर्डर होते हैं, गण हैं इनके, वो एग्जाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम एंथोसिरोटोप्सिडा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।